हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं टीम देने जा रहा हूँ, अपकमिंग जो मैचेस आ रहा है व आएगा वो है हापुर प्रीमियर लीग T20 का मैच, जिसमें से भिड़ेंगे अरोड़ा हापुर के टीम बनाम प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों टीम काफ़ी लगभग इक्वल है। प्लस इन्फिनिटी जो नंबर 8 पे है और ये टीम 6-7 पे है। तो फ्रेंड्स, उसी का ही टीम देने जा रहा हूँ। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो नया क्रिएट किया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन हो जाना। मैं सिर्फ स्मॉल लीग और सेफ टीम से ही खेलता हूँ। देख लेना एक बार मैं जो जो टीम दिया हूँ उसका रिकॉर्ड। फर्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ विकेट कीपर सेक्शन पे। तो मैं पूरा लास्ट टू फर्स्ट सारे प्लेयर का जानकारी दे दूँगा इस वीडियो में। विकेट कीपर सेक्शन में है कुरेशी। ये कुरेशी काफ़ी अच्छा नहीं बोलूँगा विकेट कीपर, सिर्फ विकेट कीपर पे और कैच पकड़ने पे ही पॉइंट मिलेगा आपको। बैट्समैन काफ़ी देर से बैटिंग करने आता है और उतना भी अच्छा नहीं है। या पर से उससे बेहतर खिलाड़ी है प्रवेश, जिन्होंने बैटिंग में 8+ स्कोर किया था पिछले मैच में, और काफ़ी बेहतर खिलाड़ी ही विकेट कीपर कुरेशी के बेटर। मैं प्रवेश के साथ जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर से बैट्समैन के सेक्शन पे काफ़ी सारे नाम हैं, उसमें से काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है फैज़ अंसारी, जो काफ़ी अच्छा बैटिंग करता है और ये खिलाड़ी जो ओपनिंग भी करेगा। ओपनिंग करेगा किसके साथ? वो रहेगा कुकरेजा, जिनका परफॉर्मेंस एकदम अच्छा नहीं जा रहा है। तो आप ले सकते हो, मैंने मेरा टीम में नहीं पिक करूँगा, आप ले सकते हो कुकरेजा जो ओपनिंग करेगा अपने टीम के लिए प्लस इन्फिनिटी की तरफ से। यहाँ पर से और एक अच्छा खिलाड़ी जो 2 या 3 नंबर पे खेलता है, उसके नाम है बुदेश शर्मा। ये खिलाड़ी जो काफ़ी अच्छा फॉर्म में है और ये बॉलिंग भी थोड़ा थोड़ा कर लेता है। और यहाँ पर से मैं एक और बैट्समैन पिक करूँगा जो रहेगा आपके पास चॉइस में, बोल देता हूँ, वो है सिंघल और है सिसोडिया। दोनों काफ़ी 1-3 नंबर पे या 4 या 5 नंबर पे बैटिंग करने आता है, काफ़ी अच्छा बैट्समैन है सिसोडिया। तो मैं सिसोडिया को मेरे टीम में पिक किया। सिंघाई को अभी पिक कर सकते हो। लास्ट अपडेट मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर बोल दूँगा 5 मिनट से पहले। अगर ये मैच होता है तो लॉकडाउन के, आज लॉकडाउन चल रहा है, अगर मैच हो जाता है तो मैं ये मैच खेलूँगा और लास्ट 5 मिनट्स में मैं अपडेट कर दूँगा मेरा टीम, जो टेलीग्राम चैनल पे का लिंक है डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल में। आप यहाँ पर से आप पिक कर सकते हो और भी प्लेयर, जो है अरोड़ा, त्यागी, मित्तल। ऑलराउंडर सेक्शन में चल जाता हूँ। यहाँ पर से काफ़ी सारे ऑलराउंडर को मैं पिक करूँगा, 4 को ऑलराउंडर पिक करूँगा। फिर यहाँ पर से पिक करूँगा सोलंकी, जो काफ़ी बेहतर खिलाड़ी है। विकेट काफ़ी छटका है और काफ़ी अच्छा बॉलर है, बैट्समैन है। तो मैं सोलंकी को मेरे टीम में पिक किया। फिर यहाँ पर से आप मोनू त्यागी को ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वो लास्ट मैच में 4 रन बनाए और काफ़ी बॉलिंग पे मार खाए हैं, तो मैं उनको मेरे टीम में पिक नहीं किया कि, लेकिन अच्छा कामयाबी खिलाड़ी है। यहाँ पर से मैं पिक करूँगा बिलाल सैफी को, जो काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है अपने टीम का, बिलाल सैफी। फिर यहाँ पर से मैं पिक करूँगा सिंटू को। सिंटू काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, पिछले मैच में 2+ विकेट छटकाए थे और 40 रन का स्कोर किया था।
तो अपने टीम का कामयाब खिलाड़ी है सिंटू। फिर यहाँ पर से अनेजा को मेरे टीम में पिक करूँगा। पिछले मैच में 0 रन बना के आउट हुए थे लेकिन 1 विकेट अपने टीम के लिए छटकाए थे, तो काफ़ी बेहतर खिलाड़ी है और सीज़न उनका ठीक ठाक ही चल रहा है। मैं बोल दिया यहाँ पर से बॉलिंग सेक्शन में जा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में अब मैं पिक करूँगा अरोड़ा, जो अपने टीम का मेन बॉलर है, मैं उनको मेरे टीम में पिक करूँगा। फिर यहाँ पर से मैं पिक करूँगा ववेश यादव को। यह ववेश यादव काफ़ी बेहतर खिलाड़ी है जो अपने प्लस इन्फिनिटी का स्ट्राइकर बॉलर है। उनके नाम पिछले मैच में 2 विकेट मिला था उनको और वो थोड़ा थोड़ा बैटिंग भी कर लेता है। यहाँ पर से मैं और एक बॉलिंग को लेंगा जो रहेगा अश्विनी चौधरी, जो काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा बॉलर है, सेकेंड मेन बॉलर है अपने टीम का एसेस का। तो ये बन गया मेरा टीम बल्लेबाजी का, स्मॉल लीग का टीम। अब मैं और काफ़ी बॉलर के बारे में बात करूँगा, जो रहेगा यहाँ पर से बेनी वाल। लास्ट में जो है काफ़ी डाउट है, मैं लास्ट अपडेट में मेरा टेलीग्राम चैनल पे बोल दूँगा। यहाँ पर से शर्मा है, चौधरी है, ये तीनों में से सिर्फ 1 और 2 ही खेलेगा, तो डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। अगर ये मैच लॉकडाउन के साथ हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो मैं नहीं खेलूँगा। अगर खेलूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे बोल दूँगा और ज्वाइन होने को बोलूँगा। अब मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस करूँगा। कैप्टन मैं यहाँ पर से बनाऊँगा सिंटू को और यहाँ पर से बनाऊँगा ववेश शर्मा को। यह बनाऊँगा मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन का चॉइस। अदर कैप्टनसी ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अनेजा, जो काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, और यहाँ पर से फैज़ अंसारी। किसी को अब किसी ऑप्शन दे सकते हो, लेकिन सिंटू कैप्टन, वाइस कैप्टन किसी को ऑप्शन दे सकते हो। और यहाँ पर से और एक वाइस कैप्टन चॉइस हो जाता है, वो रहेगा सोलंकी, वो भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है अपनी टीम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कुछ जानने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। और मैं चैनल में सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। अगर मैं जब भी कोई स्मॉल लीग का टीम देता हूँ, किसी की क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल सभी का देता हूँ, जब भी मैं प्रोवाइड करूँगा आपके पास आ जाएगा। और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन हो जाना और देख लेना मेरा जो फास्ट टू लास्ट जो टीम दिया है उसी का रिकॉर्ड। अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन हो जाना, मैं 5 मिनट से पहले टीम देता हूँ, जो मैच खेलूँगा उसी का अपडेट मैं पहले ही बोल दूँगा और ज्वाइन होने को बोलूँगा। तो आज के लिए यह पर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाए फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।